लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल की राय कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद कांग्रेस को नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके लिए उनके पास लोकसभा की कम से कम 10% यानी 55 सीटें होनी चाहिए थी। सूत्रों के मुताबिक सुमित्रा महाजन ने इस बारे में अटॉर्नी जनरल से सलाह मांगी थी, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल की ये राय सामने आई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए किसी पार्टी के पास कोरम के बराबर यानी कम से कम 10% सीटें होना जरूरी है। कांग्रेस के पास महज 44 सीटें हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष के लिए उसके पास कम से कम 55 सीटें होनी चाहिए थी। पहली लोकसभा के दिनों से ही ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि सांसदों की न्यूनतम संख्या नहीं होने के बावजूद किसी पार्टी को लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद दिया गया हो। बीजेपी का कहना है कि अटॉर्नी जनरल की राय के बाद स्पीकर सुमित्रा महाजन के लिए ये पद कांग्रेस को देना मुश्किल होगा, इसलिए उसे विपक्ष के नेता के पद के बिना ही रहना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष के लिए बड़ा कठिन होगा कि अटॉर्नी जनरल, जो भारत के संविधान के तहत सबसे बड़े कानूनी सलाहकार सरकार के लिए होते हैं, उनके सलाह के खिलाफ जाना मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष इसे स्वीकार करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि अटॉर्नी जनरल की राय सरकार की राय को जाहिर करती है, ऐसे में लोकसभा स्पीकर को उनकी राय से गुमराह नहीं होना चाहिए। कोई सरकार के दबाव में फैसले नहीं होते हैं, अटॉर्नी जनरल के मशवरे से फैसले नहीं होते हैं। स्पीकर चाहती तो वो रिकॉग्नाइज कर सकती थी, सरकार को स्पीकर पे दबाव नहीं डालना चाहिए। सीपीआई ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अटॉर्नी जनरल की सलाह को सही ठहराया है। मैं समझता हूं कि ये निर्णय सही है और कांग्रेस पार्टी को नेता विपक्ष की लड़ाई लड़ने का नैतिक अधिकार भी नहीं है और संवैधानिक अधिकार भी नहीं है। कांग्रेस हालांकि अभी भी विपक्ष का पद पाने की उम्मीद जता रही है, लेकिन अटॉर्नी जनरल की राय से उसकी कोशिशों को झटका तो लगा ही है। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैडम,